sir, please come. Please come, please come. Please come. So, Asmit ji, hum baat kar rahe the ki vaccine bhi aa gayi hai Deepshikha ji. So, kuch kehna chahenge deshwasiyon ko? वैक्सीन आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बस हमारे पास दवा है तो हम बिंदास घूमें. आप फिर भी मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस बना के रखें. सोशल डिस्टेंस करिए प्लीज. सो नो, इट्स वेरी सेफ व्हेन पीपल यू डोंट नो यू आर गोइंग इन अननोन एरिया. यू हैव टू डू दिस थिंग. एंड ये जो कोरोना का वायरस है वो हमारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाए. ओवर टू अश्विन. थैंक यू सो मच. एंड अश्विन जी, कोरोना वॉरियर्स की हम बात कर रहे थे, सो आज आप यहाँ पर फेलिसिटेट खुद वॉरियर बनकर आए हैं. फेलिसिटेट करने के लिए क्या कहेंगे आप उनके लिए जिन्होंने पूरा पैंडेमिक में जा जाकर घर जाकर लोगों की हेल्प की? जितना कहें कम है, क्योंकि उन्होंने ही हमें संभाला है और उनकी वजह से हम अब भारत इस स्तर पे है जहाँ पे इतनी आबादी के बावजूद हमारे नंबर्स बहुत कम हैं. यूरोप में देखिए क्या हो रहा है. एडवांस कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, लेकिन इंडिया जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री माना जाता है उनके आगे है. सो आई थिंक दैट्स रीज़न टू अपलॉड देम ऑल. इसलिए हम लोग यहाँ पे आज मौजूद हैं उनको फेलिसिटेट करने के लिए एंड टू एक्सटेंड आवर सपोर्ट टू देम. इसलिए मैंने आज आर्मी के कलर्स पहने हुए हैं. ऊपर से रिपब्लिक डे है, सो ये बनता है ना. सो अश्विन जी, वैक्सीन भी आ चुकी है, सो कुछ कहना चाहेंगे देशवासियों को वैक्सीन को लेकर कि अपने लगवाए या अपने नंबर का इंतजार करें? मैं तो वैक्सीन लूँगा नहीं, लेकिन ऑब्वियसली हमारे जो ओल्डर बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए इट्स नेसेसरी. मैं अपने मम्मी डैडी को ज़रूर दिलवाऊँगा जब अवेलेबल हो. जैसे शिका जी ने कहा कि मास्क पहनना ज़रूरी है. इवन इफ़ यू टेक द वैक्सीन, ये ज़रूरी नहीं है कि वो वैक्सीन आपको 100% वर्क होगा आपके ऊपर. हो सकता है कि 2% में आप वो आपका नंबर आए जिसमें वो वैक्सीन ना चले. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने लिए, अपने परिवार वालों के सेफ्टी के लिए मास्क पहने रहें. कीप द सोशल डिस्टेंसिंग गोइंग ऑन. एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो बिग बॉस भी चल रहा है, कुछ कहना चाहेंगे आप किसे मानते हैं सबसे दमदार कंटेस्टेंट? मैं आपसे भी जानना चाहता हूं. बिग बॉस देखता नहीं हूं. हम दोनों बिग बॉस दो. सो 2020 आप कुछ कहना चाहते हैं? इनसे भी सवाल पूछा तो आपका जवाब. मैं देख रही थी जब चैलेंजर्स आए थे तो सारे काफ़ी मेरे दोस्त आए थे उसमें, कश्मीरा, राखी, विकास एंड ऑल. तो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था और ऑब्वियसली लॉकडाउन था, घर में कुछ कर नहीं रहे थे. बिग बॉस इज़ अ बिग शो एंड नथिंग रॉन्ग इन इट एंड आई लर्न लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम बिग बॉस. तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया था. लेकिन अभी आई स्टार्टेड शूटिंग फॉर माई रेगुलर शो रंजू की बेटियाँ जो दंगल पे आने वाला है. तो क्या बोलते हैं, नायगांव से बॉम्बे में अभी मैं कोई टीवी नहीं देख सकती. सो आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग नाउ. जी, कुछ लोग वीकेंड का वार देखते हैं बिकॉज़ ऑफ सलमान खान. आप कभी कभी फॉलो कर पाते हैं या वहाँ भी नहीं? इतने सारे और शोज हैं, फिक्शन के शोज हैं जो मैं प्रेफर करता हूँ देखना. रियलिटी शोज इज माई थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑप्शन. So I don't get the time. I haven't, and I don't watch much television honestly. Just without, so I don't watch much television. Thank you, Jim. Thank you. Thank you. Thank you.